इंग्लैंड में किंग चार्ल्स के ऐतिहासिक राज मुकुट में होंगे बदलाव। राज्याभिषेक से पहले लिया फैसला, मुकुट को लंदन के टावर में प्रदर्शनी से हटाया गया। ईरान ने 4 लोगों को फांसी पर लटकाया। इसराइल के लिए जासूसी करने का है आरोप। ईरानी सेना ने लटकाया फांसी के फंदे पर। G20 को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट, कहा दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। ट्विटर पर एलन मस्क का नया पोल, कहा क्या खुफिया जानकारी लीक करने वाले अनसाचे स्नोडेन को मिलनी चाहिए माफी। कोरोना में लॉकडाउन में पूरी छूट देने से बर्बाद हो जाएगा चीन, लाशों के लग जाएंगे ढेर, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा अगर भारत ने हमला किया तो भारत जंग के लिए रहे तैयार। यूक्रेन जैसे समर्थन म्यांमार को नहीं, म्यांमार सेना ने 7 छात्रों को सुनाई मौत की सजा। छात्रों ने लोकतंत्र समर्थक देशों से लगाई मदद की गुहार। किम जोन का तुगलकी फरमान, नाम बदले देशवासी, बच्चों के नाम सुंदर या कोमल रखने के बजाय बंदूक या बम रखे। कश्मीर फाइल्स विवाद पर इजरायली राजदूत को मिली भारत छोड़ने की धमकी, ट्विटर के जरिए दी गई धमकी। ट्विटर मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। भारत के G20 एजेंडे को IMF का समर्थन मिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बयान, भारत के G20 एजेंडे का पूरा समर्थन करता है। यूपी में अगले साल होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जनवरी 2023 में आयोजित होगा इन्वेस्टर समिट, कई देशों का दौरा करेंगे यूपी ब्यूरोक्रेसी की टीम। दिल्ली MCD का चुनाव, मतदान खत्म, EVM में कैद हुई 1,339 उम्मीदवारों की किस्मत, 7 दिसंबर को आएगा फैसला। दिल्ली MCD चुनाव में मतगणना के लिए बनाए गए 42 केंद्र, MCD के 250 वार्डों की मतगणना, 42 केंद्र पर होगी मतगणना। भारत की सबसे बड़े अस्पतालों में बढ़ रहे साइबर अटैक, एम्स के बाद सफदरजंग अस्पताल का पर साइबर अटैक, सफदरजंग अस्पताल का IP एड्रेस हुआ ब्लॉक। भारत के नौसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा देश की सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत। अंकिता भंडारी के हत्यारों का नार्को टेस्ट होगा, उत्तराखंड पुलिस बोली सबूत पुख्ता करना चाहते हैं ताकि आरोपियों को मिले कड़ी सजा। यूपी के लखनऊ में बरमाला पहनाते ही दुल्हन की मौत, दिन में भी ब्लड प्रेशर लो हुआ था, रात में स्टेज पर चक्कर खाकर गिरी दुल्हन। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, 1,000वें मैच में मैसी ने किया गोल। भारत ने जीता हुआ मैच गवाया, बांग्लादेश ने 1 विकेट से जीत हासिल की, राहुल का कैच छोड़ना पड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 164 रन से हराया, 308 रन बनाने वाले लाबुशेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। मार्नस लाबुशेन ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया।